भाई नमस्कार। माफी चाहूंगा यार कि इतने देर के बाद वीडियो दे रहा हूं, बट आपको मैं बताऊं कि कल रात से मैं बहुत बिजी था। कल रात में मैं गया अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए और अभी जस्ट घर में घुसा हूं और थोड़ा सा फ्रेश होकर ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे डाउट्स आए, सबको एक एक करके देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, पूरा वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बहुत सारे अच्छी चीजें भी हैं और आगे की स्ट्रेटेजी भी मैंने सबको इसमें बताई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर कैसा आया 2 दिनों में। तो जिस हिसाब से मुझे रिव्यूज मिले हैं अभी के हिसाब से, तो ऐसा लग रहा है कि पेपर टफ आया हुआ है। तो पेपर टफ आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा, लोगों का अच्छा होगा, कट ऑफ कम जाएगा। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि टायर 2 कब होगा। तो जिस हिसाब से IB काम कर रही है भाई, मुझे लगता है कि टायर 2 अगले 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, तो टायर 2 के लिए तैयारी करनी है। तीसरी चीज क्या है कि बार बार लोग पूछ रहे हैं कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी। तो भाई कट ऑफ नहीं बताया जा सकता है। कट ऑफ के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, और उसके बाद जब आपके आंसर की आ जाएगी तो मैं बताऊंगा कि कट ऑफ क्या हो सकती है। उसमें भी आपकी हेल्प चाहिए। आप सब लोग, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में था, आपके क्लासरूम की स्ट्रेंथ कितनी थी, स्ट्रेंथ का मतलब कि कितने लोगों को बैठने की जगह थी और उसमें लगभग कितने लोग बैठे थे। उस हिसाब से ही हम पता कर पाएंगे कि कितने लोगों के लिए एग्जाम सीट हुई थी बुक और कितने लोग एग्जाम दिए हैं। तो हम पता कर पाएंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है एक लमसम में, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए ज्यादा परेशान मत होइए। तीसरी चीज क्या है कि इंटरव्यू का क्या करना है। इंटरव्यू के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सा प्लान किया है। इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक बैच ले आऊंगा, सिंपल सा बैच होगा जिसमें 30 लड़के होंगे। पहले 30 लड़कों को ही मैं लूंगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं। उन 30 बच्चों को मैं ट्रेन करूंगा। आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप व्हाट्सअप करके और फर्दर डिटेल्स पता कर सकते हैं। जो व्हाट्सअप नंबर आपके नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस पर आप मैसेज कर लीजिए अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको फर्दर डिटेल्स दे दिया जाएगा। अगली बात हम करेंगे कि टायर 2 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी कल सुबह 8 बजे 100% मिल जाएगी। अभी मैं रिकॉर्ड करके सुबह 8 बजे तक के लिए डाल दूंगा। कल सुबह 8 बजे से आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और आपका टायर 2 100% क्वालिफाई होना है। उसके बाद जो बात करेंगे हम, कौन से बच्चे हैं जो टायर 2 के लिए तैयारी अभी करें जब तक कि आंसर की या रिजल्ट नहीं आता है, या टायर 3 इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। तो मेरे हिसाब से जैसा पेपर आया है, जो बच्चे 55 से लेके 65 यानी कि 55 to 65 बीच में जिनका अटेम्प्ट है और जिनको लगता है कि उन्होंने 95-90% के हिसाब से, एक्यूरेसी के हिसाब से सॉल्व किया क्वेश्चन को, तो वो तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे 65 to above हैं, जो बच्चे 65 से above है, जिनका अटेम्प्ट 65 से above है और वो 80% एक्यूरेसी के साथ भी काम कर रहे हैं, तो वो टायर 2 और टायर 3 की तैयारी करो, करें, बिल्कुल करें। क्योंकि IB का कुछ भी पता नहीं है भाई। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू। अगर आप टायर 2 क्वालिफाई होते हैं तो इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा करना होगा। अगर इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं होता है, आपके टायर 2 में 90 मार्क्स भी होंगे, तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपके मार्क्स भी अगर 65 ही हैं, 60 ही हैं, 55 ही हैं, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच जाएँ। तो आज आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हो, थके हुए हो, आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सो जाओ। इंटरव्यू का डिटेल मैं अभी आपको जो दिख रहा है, ये आप इंटरव्यू पे डिटेल करके, इस इंटरव्यू को डिटेल से अच्छे से देख लेना। व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर देना अगर तुम्हें इस बैच में इनरोल होना है। तो केवल 30 बच्चों के लिए है। जो पहले 30 बच्चे का मैसेज आ जाएगा, मैं बस उनको ही करूंगा, उनको ही ट्रेन करूंगा। और ट्रेन क्या करूंगा, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा उनके साथ, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैं बता रहा हूँ कि जो लोग 50 से प्लस भी अटेम्प्ट करके आए हैं ना, वो इस चीज़ को जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपको 1 घंटे देना है सिर्फ, कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है अगर आपका नाम आ जाए लिस्ट में और आपकी तैयारी ना हो, तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप डेली 1 घंटा 1 घंटा देते रहे, अपनी अगली तैयारी भी करते रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन इसको भी 1 घंटा डेली दीजिए। अगर 55 55 के ऊपर अगर आपका अटेम्प्ट है तो जरूर तैयारी करिए। बाकी IB वाले जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा होगा आपने और आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कमेंट जरूर करिए कि आपका कौन सा शिफ्ट था, किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है और शिफ्ट में क्लास में कितने बच्चे को बैठने के लिए जगह थी और कितने बच्चे आए थे, ठीक है। तो हम उस हिसाब से कुछ अनुमान लगा सकते हैं छोटे से डेटा पे। बाकी अभी आराम से सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। सुबह उठ के टायर 2 की स्ट्रेटजी देखना और कंप्लीट तैयारी शुरू कर देना। जो लोग
को लगता है कि उनका अटेम्प्ट अच्छा है, या मैं बता रहा हूँ जिनका अटेम्प्ट 55 से 65 के बीच में है और 90% एक्यूरेसी है, या जिनका अटेम्प्ट 65 प्लस है, वो उस इंटरव्यू के बैच में इनरोल कर सकते हैं। बाकी उसके डिटेल्स आपको आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं बहुत थक गया हूँ भाई, अभी मुझे खाना भी बनाना है, खाना बना के खाऊंगा फिर सोऊंगा, और सुबह उठ के आपके लिए काम भी करना है तो, और खुद के लिए भी काम करना है, बहुत सारे कपड़े धुलने हैं। तो चलते हैं, जय हिंद।